बीते दिनों पटवारी परीक्षा परिणाम के बाद विद्यार्थियों ने पूरे प्रदेश में अलग अलग जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया, जहां इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नियुक्तियां रोक दी है, तो वहीं कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल के लोगों द्वारा पटवारी परीक्षा के इस घोटाले को लेकर सीबीआई जाँच की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के लोगों द्वारा भंवरकुआं चौराहे पर आज भूख हड़ताल करके प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जावेद खान ने बताया कि पटवारी घोटाला करके शिवराज सरकार इस मामले में रिटायर्ड जज से इसकी जांच करने की बात कह रही है, जिसको विद्यार्थियों ने और कांग्रेस सहित अन्य लोगों ने भी नकार दिया है। इस मामले में सीबीआई की जांच करने सहित आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग के लिए एक दिवसीय भूख हड़ताल आज रखी गई है। इधर ले, इधर आ जाए, इधर। अरे वो सीबीआई जांच वाला है। भाई साहब, युवाओं ने अभी प्रदर्शन किया, किस तरह का प्रदर्शन रहा और क्या आक्रोश है ये? देखिए, मध्य प्रदेश में पटवारी घोटाला हुआ है और उसके बाद से जैसे कि युवा नए नए तथ्य निकाल कर लेकर आ रहे थे कि एक ही कॉलेज के माध्यम से मेरिट बनाने का काम किया गया, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया, और युवाओं की सर्वप्रथम यही मांग थी कि भर्ती को रोका जाए और सीबीआई जांच कराई जाए। लेकिन इसके उलट मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रिटायर्ड जज से जांच कराने की बात कर रहे थे। तो कल जैसा हम लोगों ने युवाओं के बीच में जाकर देखा, लगातार उनकी नाराजगी थी कि वो सीबीआई जांच से कम कुछ भी नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं मध्य प्रदेश में सीबीआई जांच एक अच्छा विकल्प है, जिससे उनके जो पटवारी घोटाला हुआ है उसमें उनको निराकरण मिल पाएगा, क्योंकि इसके पहले भी मध्य प्रदेश में एमपी टेट घोटाला हुआ, ब्लैकलिस्ट कंपनी से काम कराया गया, और अब युवाओं का ही आरोप है कि मध्य प्रदेश में एमपी टेट घोटाला जिस कंपनी के माध्यम से किया गया था, ब्लैकलिस्ट कंपनी के, उसी कंपनी से पटवारी की परीक्षाएँ कराई गई। इससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं पटवारी का घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से दिव्यांगों के सर्टिफिकेट को बनाकर उसका दुरुपयोग किया गया, और उसके बाद ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं भर्तियों को देने के लिए सब तरह के षड्यंत्रों को रचने का काम किया गया। जावेद, आज कैसा प्रदर्शन रहा? आज हम लोग यहाँ पर एक दिवसीय भूख हड़ताल करने जा रहे थे। एक दिवसीय भूख हड़ताल का उद्देश्य यही है कि मध्य प्रदेश सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि एक दिवसीय भूख हड़ताल तो सांकेतिक है, आने वाले समय में यदि शिवराज सिंह जी नहीं माने तो लगातार शिवराज सिंह जी के खिलाफ भूख हड़ताल की जाएगी, अन्य अन्य प्रोटेस्ट किए जाएंगे, जिससे मध्य प्रदेश की सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। आपका धन्यवाद। जावेद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस।